नमस्कार, जय जगन्नाथ। सभी लोगों को फिर आज के नया ब्लॉग पे स्वागत। और आज के नया ब्लॉग पे कुछ नया नया दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये सुबह सुबह का वक्त है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अभी टिफिन खाने के लिए बुला रही हैं। तो देखते हैं टिफिन पे क्या है, अभी खा लेते हैं और फिर आगे करते हैं ब्लॉग। और अभी पहुँच गए टिफिन करने के लिए। अभी टिफिन ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं और मैं बैठा हूँ यहाँ पे। इधर कृति, उधर कृष्णा है। टिफिन पे आज होना है रोटी और आलू की सब्जी। और अभी मेरा भी टिफिन आ गया, खा लेता हूँ मैं। अभी आपको दिखाता हूँ रोटी, और ये है स्नान खा रहे हैं। ठीक है, टिफिन करने के बाद फिर शुरू कर देंगे आगे का ब्लॉग। अभी मछली पकड़ने के लिए जाल लेने जा रहे हूँ, जिसके लिए कि अभी साफ पैंट पहनने को साफ पैंट पहन के जाने वाला हूँ। साफ पहन लिया और आपको आगे दिखाता हूँ कौन सा गाँव मछली का जाल लेने जा रहा हूँ। और ये अभी निकलने वाला हूँ मछली पकड़ने के जाल लेने के लिए। आपको दिखाऊंगा आज कैसे जाल है जिसमें मछली पकड़ना पड़ता है। थोड़ा सा पानी दे देता। और ये जाल लेने के लिए घर से निकल गया। जैसे कि हम लोग जाने वाले हैं अभी हमारे गांव से 25 किलोमीटर दूर, और वहाँ से एक आदमी के पास है मछली पकड़ने वाला जाल। और ये देख पा रहे होंगे हमारे गांव का सीन, क्योंकि बहुत छोटा सा क्यूट सा गांव है जहाँ पे लोगों का छोटा छोटा सा घर है। और वहाँ हम जाने के बाद आपको दिखाऊंगा जाल जिसमें मछली पकड़ते हैं और उसका प्राइस भी कितना है दिखाऊंगा मैं। और हम लोग अभी आधे रास्ते पे पहुँच चुके हैं, गाँव से निकल के आधे रास्ते पे। और यहाँ से थोड़ा आगे लगभग हम लोग 10 किलोमीटर तक पहुँच गए हैं। तो वहाँ से बीच में मैं वीडियो कर नहीं पाया, सीधे घर आ गया। घर आने के बाद आप लोगों को दिखा रहा हूँ जाल, जो कि मछली पकड़ने वाला जाल। ये मेरे पापा जी खोल रहे हैं, वो लंबाई उसका कितना है देखते बोल के हाथ से थोड़ा नाप जोक कर रही हैं। मतलब ये 6 हाथों का है या 7 हाथ, मतलब 6 हाथ कहे तो अच्छा है जाल बोल के वो नाप रहे हैं। और यहाँ पे नाप के बताया कि ठीक है चलो मछली पकड़ने। तो हम 4 आदमी गए जा रहे हैं नदी पे। हमारे गांव पे आप लोग को नदी दिखाया था, और ये बीच का वीडियो में बनाया नहीं, मछली पकड़ के आया जब घर तब बनाया था। पहुँच गया ये मछली लेके, बच्चा लोग दिखा रहे हैं मछली आपको। ये लगभग आप लोग देख पा रहे होंगे ये मछली जो बच्चा अभी निकल रहा है वो हो जाएगा ऐसे 2 किलो के आसपास एक पीस का। तो ऐसे मछली हम लगभग ऐसे 12 या 13 पीस पकड़ लिया नदी पे, बहुत मेहनत लगा था। देखिए अगर टोटल मछली को हम मिला जुला के वेट करें तो लगभग 10 किलो तक हो जाएगा। और इतना मछली पकड़ के लाया नदी से। तो ये जो जाल लाया था, जाल का प्राइस मेरे को लग गया 5000, जो जाल अभी देखा था हमने 5000। लेकिन अभी मछली पकड़ के लाया 10 किलो, तो मतलब 200 के हिसाब से हो जाए तो ऐसे 2000 रुपया का अभी फ़ायदा हो गया, मतलब 2000 रुपया हो गया। पूरा तेज बारिश हो रहा है, अभी बंद होने के नाम नहीं ले रहा है। कृष्णा यहाँ पर भी गया है पूरा, इसका बाल थोड़ा ख़राब हो गया। और सारे देखिए आसमान पूरा बादल बादल ही, बारिश देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रहा है। ऐसे 3 बजे से ऐसे बारिश हो रहा है। तो ठीक, तो आज का ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। फिर आपको कल नया ब्लॉग के साथ आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।